ये कहानी आज एक वेब सीरीज का हिस्सा भी बन चुकी है, जिस कहानी में एक चरित्र बनकर उतरे थे 1982 बैच के उत्तर प्रदेश पुलिस के अफसर इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा, जिन्होंने अपने जीवन में इस कहानी को कई बार सुनाया है, बार बार सुनाया है। वो कहानी है एक वानर के चमत्कार की, जिस चमत्कार की कहानी शुरू हुई थी एक वर्दी वाले की खींच से। मीडिया रिपोर्ट्स में जो लिखा है उसके मुताबिक उस दिन एक सिपाही ने हनुमान गढ़ी के बाहर पार्क की हुई एक जीप देखी थी। घंटों तक वो जीप अपनी जगह पर ही खड़ी रही। हनुमान गढ़ी की संकरी गली के ठीक बीचों बीच उस दिन हनुमान गढ़ी आने वाले भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही थी और जीप की वजह से परेशानी भी बढ़ती जा रही थी। आखिर पवन पुत्र के धाम की सुरक्षा में तैनात सिपाही खींच उठा और उसने जीप के मालिक को सबक सिखाने की ठानी। उस लावारिस जीप को फैजाबाद थाने तक ले जाया गया। उस नगर पर संकट आ नहीं सकता जिसके रक्षक खुद संकट मोचन हनुमान हो, और हनुमान जी के लिए कहा जाता है कि बंदर स्वरूप में अयोध्या धाम की रक्षा वो खुद करते हैं। 1998 में जब अयोध्या को फैजाबाद के नाम से जाना जाता था, अयोध्या जो जन्मभूमि के आसपास का क्षेत्र है, वहाँ सड़कें बहुत संकरी थी। आज देखिए कि 4-लेन रोड यहाँ पे नजर आती है, उस वक्त लेन सिर्फ 2 हुआ करती थी। आखिर हनुमानगढ़ी की खचाखच भरी भीड़ के बीच से एक सिपाही ने एक जीप को बाहर निकाल लिया, जो जीप श्रद्धालुओं का रास्ता रोक रही थी। जो जीप बहुत देर से संकरी गली में लावारिस खड़ी थी, लेकिन इसके साथ ही एक ऐसी साजिश की परत खुलनी शुरू हुई जिसकी किसी को भनक तक नहीं थी। बंदरों की मदद से ध्यान आकर्षित हुआ, जिसके बाद खड़े हुए वाहन हनुमानगढ़ी के पास खड़े हुए वाहन को पुलिस कर्मी कोतवाली थाना ले आए। उस वक्त इसी द्वार से वो वाहन गुजरा था जिसे अब अयोध्या कहा जाता है। उस वक्त इस द्वार का नाम फैजाबाद द्वार हुआ करता था। कुछ देर तक वो वाहन खड़ा रहता है। देखा जाता है कि अगर कोई होगा इसका पालनहार, कोई इसका मालिक होगा, कोई ड्राइवर होगा तो आ जाएगा। बहुत देर तक कोई नहीं आता। सामान खंगालने की कोशिश होती है तो निकलता है एक टुल्लू पाइप। उसे निकालने की कोशिश की जाती है, उस पंप को निकालने की कोशिश की जाती है, तो बुरुदा सा नज़र आता है। उस बुरुदे को देख करके शक होता है कि कहीं ये बुरुदा विस्फोटक तो नहीं, कहीं ये RDX तो नहीं। और जब ये शक गहरा जाता है तो पुलिसकर्मी भी घबरा जाते हैं। 1982 के UP पुलिस ऑफिसर अविनाश मिश्र को पहला कॉल जाता है और अविनाश मिश्र अपनी टीम के साथ कोतवाली थाना पहुँचते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वाकई इस बुरुदे के पीछे का रहस्य क्या है। फैजाबाद कोतवाली में जीप पहुंचने के बाद से उस साजिश का सिरा खोलना शुरू हुआ जो 4 आतंकियों ने रची थी। जो साजिश थी भगवान हनुमान के दरबार हनुमानगढ़ी को RDX के विस्फोट से उड़ा देने की। पवन पुत्र के दरबार पर उनके भक्तों की खून की नदियां बहा देने की। क्योंकि थाने लाकर जब पुलिसकर्मियों ने संदिग्ध जीप की चेकिंग शुरू की तो उसमें से घरों में लगने वाला टुल्लू वाटर पंप निकला। वाटर पंप को जब पुलिस वालों ने जीप से बाहर खींचा तो वो उनके हाथ से छूटकर नीचे जा गिरा, और नीचे गिरते ही पंप के अंदर से बुरादा जैसा गिरने लगा। उस दिन पंप से गिरते बुरादे ने कोतवाली में जीप की तलाशी ले रहे सिपाही के होश उड़ा दिए। पुलिस अपनी प्राथमिक जांच में ही समझ गई कि यह जीप संदिग्ध है और जीप से निकला बुरादा RDX हो सकता है। RDX यानी एक ऐसा विस्फोटक जो पूरी अयोध्या को दहला सकता था। RDX जो जाने कितनों का खून बहा सकता था। आखिर फैजाबाद कोतवाली से सिपाही ने आनन फानन में इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा को फोन किया, और आश्चर्य ये कि जब अविनाश मिश्रा मौके पर पहुंचे तो संदिग्ध जीप का ड्राइवर भी थाने तक पहुंच चुका था। सिपाहियों के द्वारा कॉल मिलने के संक्षिप्त समय अंतराल के बाद अविनाश मिश्र अपनी टीम के साथ कोतवाली पहुंच जाते हैं। जब वो पहुंचते हैं तो उस बारूद को, उस RDX को खंगालने की कोशिश कर दी जाती है, लेकिन उस वक्त कोतवाली में एक शख्स और बैठा होता है, और वो शख्स और कोई नहीं बल्कि उस वाहन का ड्राइवर होता है। ड्राइवर कहता है कि मेरा वाहन वहां से गायब हो गया, यानी हनुमानगढ़ी से यहां गायब हो गया। जब उसे इस बात का अंदाज़ा होता है कि जो लोग अकबरपुर से बैठे थे उनके वाहन में वो आतंकी हो सकते हैं, तो ड्राइवर पूरी बात बताता है। वो कहता है कि अकबरपुर से 4 शख्स इस गाड़ी में बैठे थे, उन्होंने कहा था कि हम श्रद्धालु हैं, हम हनुमानगढ़ी और जन्मभूमि के
दर्शन करने आए हैं, लेकिन उनमें से कम एक अयोध्या का रहने वाला लोकल जरूर होगा, क्योंकि पान वाले ने उसे पहचान लिया था। फिर क्या था, अविनाश मिशन ने दो टीमों का गठन किया। पहली टीम पॉलिटौर पर पहुंची हनुमानगढ़ी, जहां तलाशी लेने की कोशिश की गई कि कहीं इस आरडीएक्स से कोई बम तो प्लांट नहीं किया गया, और दूसरी टीम उस पान वाले के पास पहुंची, पान वाला चौरसिया, जिस पे कहा था इस ड्राइवर ने कि एक व्यक्ति को उसने पहचान लिया था। तब जाकर के पूरे रहस्य का उद्घाटन हुआ, पटाक्षेप हुआ और पता लगा कि हनुमानगढ़ी को तो बम से दहलाने की कोशिश थी, बंदरों ने पूरे के पूरे प्लान पर पानी फेर दिया और इसके तार नापाक पाकिस्तान से भी जुड़े हुए थे। उस दिन संदिग्ध जीप के ड्राइवर ने जो बताया, उसने पुलिस टीम के सारे संशय मिटा दिए। मात्र कुछ घंटों में ही महातबाही लाने वाली एक आतंकी साजिश सामने आ चुकी थी, लेकिन साजिश को नाकाम करना अभी जमीन आसमान एक करने के बराबर था। ड्राइवर ने बताया कि उसने अकबरपुर से चार लोगों को जीप में बिठाया था। चारों यात्री हनुमानगढ़ी दर्शन के लिए निकले थे, उसके बाद राम जन्मभूमि भी जाना चाहते थे। जो चार लोग आए थे उनमें से सिर्फ एक ही लोकल था, और उस लोकल शख्स को एक पान वाला पहचानता था। अविनाश मिश्रा के अनुसार वो चार कौन थे ये पता लगाना बाद की बात थी। पहली चुनौती थी अयोध्या में प्लांट किए गए आरडीएक्स बम का पता लगाने की, और फैजाबाद कोतवाली से दो टीम हनुमानगढ़ी की ओर दौड़ पड़ी। मंदिर पहुंचते ही पुलिस टीम को एक दो जगह और बुरादा मिला, जिसे देखकर टीम समझ गई कि ये आरडीएक्स ही है, और बहुत ही संभव है कि आतंकियों ने मंदिर के अंदर संदिग्ध वस्तु को प्लांट कर रखा है। लिहाजा टीम ने पूरा मंदिर परिसर खंगाल डाला, लेकिन कहते हैं उस दिन पवन पुत्र हनुमान पुलिस से पहले ही मिशन पर लग चुके थे, आतंकी हर साजिश को विफल करने में जुट गए थे। अकबरपुर से चार यात्रियों के साथ यहीं पर ही वो वाहन आके रुका था जिसके अंदर आरडीएक्स मौजूद थी, और हमारे साथ वो गुप्ता जी भी हैं जिन्होंने प्रत्यक्षदर्शी के तौर पे वो पूरा चमत्कार देखा, जिससे रहस्य उद्घाटन हुआ कि क्या वाकई बजरंगबली बंदर के रूप में आए थे और उन्होंने ही हनुमानगढ़ी की रक्षा की थी। इस बात को बहुत साल हो चुके, लगभग 26 साल हो चुके। भाई साहब क्या नाम है? राजेश गुप्ता। राजेश जी, 1998 में क्या हुआ था पूरा अगर आप विस्तार से बता सके, कहाँ गाड़ी रुकी थी, क्या स्थिति हुई? गाड़ी आगे बैक साइड में उधर रुकी हुई थी, वहाँ पता चला कि कौन कुछ ऐसा व्यवस्था है जो कुछ संदिग्ध दिख रहा था, तो पुलिस वाले उस पर जब तक वार किया तब तक वहाँ बंदर ने तार वगैरह तोड़ दिया था। तो आप उस वक्त इसी दुकान में मौजूद? नहीं, हम थे रहे अयोध्या में ही, अपने घर पे थे, लेकिन जब यहाँ पता चला जब तक यहाँ आए तब तक सब कांड खत्म हो चुका। यहाँ पर अगर जब आप आए तो कैसी स्थिति थी, और क्या वाकई लगता है कि वाकई बंदर रूप में हनुमान जी ने रक्षा की थी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बंदर रूपी हनुमान जी थे ही कहना, तभी तो इसका निर्माण। हर जगह हर कार्यक्रम में हनुमान जी हमेशा आगे ही रहे हैं और उन्हीं के जरिए से पूरा काम हुआ है। कई बार ऐसा हो चुका है जो हनुमान जी बंदर रूपी में आ करके लोगों का सेवा भाव किए। उस वक्त आपकी उम्र कितनी? अब 26 साल आप घटा दीजिए इसमें, अरे हम रहे होंगे मतलब हम 24-25 साल के। 25 साल के राजेश गुप्ता जी थे, और उन्होंने बताया कि यहीं पर ही गाड़ी खड़ी हुई थी, और जब बंदर रूप में डेटोनेटर से तार खींची गई तो ये अद्भुत चमत्कार था, ये अद्भुत रहस्य था। कहते हैं उस दिन भगवान हनुमान के वेश में वानर पहले से ही सजग थे, वो परेशान थे और कुछ अलग ही व्यवहार कर रहे थे। पुलिस की टीम को हनुमानगढ़ी के बंदर कुछ बताना चाहते थे, जैसे वो टीम को गाइड कर रहे हों, आतंकियों के प्लांट किए गए बम तक ले जा रहे हों, और आखिर इसमें वो सफल रहे। एक बंदर ने पुलिस की टीम का अपनी ओर ध्यान खींचा, उसके बगल में जो कुछ था उसे देखकर पूरी टीम चौंक गई। जब पुलिस बंदर के पास पहुंची तो वहां एक तार दिखा और पता चला कि ये कुछ और नहीं बल्कि एक डेटोनेटर है। इतना ही नहीं, पुलिस को यह भी पता चला कि बंदर ही डेटोनेटर को निष्क्रिय कर चुका है। आखिर तार को पकड़कर पुलिस उस जगह तक जा पहुंची जहां आतंकियों ने बम प्लांट कर रखा था। तत्काल बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुलाया गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक बम मिलते ही पुलिस ने राहत की सांस ली, क्योंकि अयोध्या एक ताकतवर बम विस्फोट से बच गई थी, एक आतंकी वारदात से बच गई थी। मंदिर के पुजारी और स्थानीय लोग कहते हैं ये एक चमत्कार था जो उस दिन हुआ, और अयोध्या में ऐसे चमत्कार होते रहते हैं। उस दिन हनुमानगढ़ी में गुप्त आरती का समय हो चुका था,
और पुजारी चाहते थे कि सभी लोग बाहर निकल जाएं, जबकि पुलिस की टीम के दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि जल्द से जल्द बम का पता चल जाए और तलाशी के लिए वो बंदर रास्ते से हट जाएं जो उनके रास्ते में खड़ा है। डेटोनेटर का तार उखाड़ कर बैठा हुआ है। मंदिर ने बंदर को वहां से हटाने के लिए प्रसाद का लालच भी सामने रख दिया था, लेकिन बंदर ने प्रसाद नहीं खाया। वो कूदकर कुछ दूर मंदिर के छज्जे पर जा बैठा और अपनी जगह से तभी हटा जब पुलिस ने आरडीएक्स से भरा विस्फोटक बरामद कर लिया। उस विस्फोटक को डिफ्यूज कर लिया गया। इस वारदात के बाद पुलिस एक गांव में पहुंची थी और वहां एक स्थानीय युवक के घर से कुल 8 किलो आरडीएक्स बरामद किए गए थे। उसी स्थानीय युवक से पूछताछ के बाद एक पाकिस्तानी आतंकी भी पकड़ा गया था। तो क्या ये अयोध्या के वानरों की अपनी समझ थी जिन्होंने अयोध्या को तबाह होने से बचा लिया? तो क्या ये वानरों के रूप में साक्षात पवन पुत्र हनुमान थे जिन्होंने अपने आराध्य के राज्य को आतंकियों से बचा लिया था, या फिर ये संयोग मात्र था? अयोध्या में ऐसा पहली बार नहीं हुआ, यहाँ पर पवन पुत्र हनुमान का चमत्कार बार बार दिखा। जब आतंकवादियों के द्वारा अयोध्या में कोकर बम डाला गया और समाचार फैल गया ये कोकर बम है, यहाँ पे हनुमानगढ़ी जो है ये खत्म हो जाएगी, पुलिस की स्क्वाड बम विस्फोटक दस्ता वहाँ पे पहुँचने लगे। केवल 6 सेकंड बाकी था, 6 सेकंड का समय बाकी था। हनुमानगढ़ी के शिखर के पास एक कुकर रखा गया था, जब तक तो स्क्वाड के लोग वहाँ पहुँचते एक विशाल काय बंदर वहाँ आया और उस बम के पास जो है तार लगा हुआ था उस तार को अपने दांत से खींच करके वो तार को अलग कर दिया, यानी अयोध्या आतंकवादियों से जो है हमले से बच गया। अयोध्या में जुलाई 2005 में भी एक ऐसी घटना घटी थी जिसने अयोध्या के रक्षक पर भक्तों का भरोसा बढ़ा दिया, अयोध्या के वानरों को आराध्य और आतंकियों का काल बना दिया। वर्ष 2005 की जुलाई में 5 आतंकवादी अयोध्या पहुंचे थे। यह हमला इतना अचानक था कि किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। आतंकियों ने रामलला के मंदिर के सामने फायरिंग शुरू कर दी और ग्रेनेड फेंकने लगे, लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। कहते हैं उस दिन आतंकियों के फेंके ग्रेनेड तिरपाल में फंस गए, तिरपाल जिन्हें तंबू की तरह ताना गया था, और उस तिरपाल पर गिरे ग्रेनेड उठाकर वानरों ने आतंकवादियों पर ही फेंकना शुरू कर दिया। देखते ही देखते 5 आतंकवादी ढेर हो गए। जब 5 आतंकवादी श्रीधाम अयोध्या में आए तो मैं पूजा कर रहा था, हमारे प्रातः स्मरणि वंदनीय पूज्यपाद डॉक्टर रामविलास वेदांती ने हमको टेलीफोन किया कि करपात्री आप क्या कर रहे हो, मैंने कहा पूजा कर रहा हूँ। कहे पूजा छोड़ो, आज हमारे रामलला के ऊपर 5 आतंकवादी बम लेके पहुँच गए हैं, आप मेरे पास मत आओ, आप सीधे हनुमानगढ़ी पहुँचो और हनुमान जी से कहो कि यदि एक भी बम फूट गया तो मैं बैठूंगा यहीं पे और कहूँगा कि हनुमानगढ़ी पे एक भी लड्डू न चढ़ाया जाए, ये हनुमानगढ़ी फर्जी के हैं। मैं वहाँ गया, रोते भी लगते गया, चौकठा पे सर पटक दिया, मैं रोने लगा। हमको एक आभास सा हुआ, एक शक्ति सी मिली, नहीं कर पाती, चिंता मत करो, आप दौड़े जाओ वहाँ पर जहाँ जहाँ 5 आतंकवादी हैं, जब तक हम अयोध्या में हैं तब तक हमारे प्रभु राम के ऊपर कोई आक्रमण नहीं हो सकता है। मैं वहाँ से दौड़े दौड़े वेद मंदिर के पास पहुँच रहा हूँ और हमारे सामने 3 आतंकवादी अपने बम से ही उड़ गए, 5 के 5 आतंकवादी खत्म हो गए। ये अयोध्या की हनुमान जी की महिमा है, और आज जब राम जी राजा बनेंगे तो निश्चित है कि पवन पुत्र जो हनुमान जी हैं, राम के पोत हैं, जानकी के पोत हैं, सबसे बड़ी खुशी श्री हनुमान जी महाराज जी को होगी कि हमारे पिताजी आ रहे हैं, राजा के ऊपर महाराजा आ रहा है, इस नाते अयोध्या आना चाहिए। अयोध्या में समय समय पर चमत्कार होते रहे और बजरंगबली में अयोध्या की आस्था बढ़ती गई। वानर राज की सेना एक बार और राजधर्म निभाती दिखी थी। ये 1 फरवरी 1986 की फैजाबाद कोर्ट की घटना है। तब देश के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, वीर बहादुर सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और उस दिन रामलला के मंदिर पर महत्वपूर्ण सुनवाई थी। फैजाबाद कोर्ट में जन्मभूमि का ताला खोलने पर फैसला आना था। कहते हैं उस दिन भी अयोध्या में पवन पुत्र हनुमान के साक्षात निवास का आभास हुआ था, जिसकी चर्चा अयोध्या में दशकों तक रही। उस दिन राम जन्मभूमि का ताला खोलने पर सुनवाई चल रही थी। सीजेएम सीडी राय दिन भर कोर्ट में थे और उस दिन फैजाबाद कोर्ट परिसर में लगे तिरंगे को कुछ बंदर पकड़कर बैठे रहे,
मानो उन्हें भी अपने आराध्य के मंदिर पर निर्णय आने का इंतजार हो, मानो कोर्ट परिसर में चल रही हलचल के वो वानर भी बराबर के हकदार हो। कहते हैं उस दिन सीजेएम सीडी राय ने इस बात पर गौर भी किया और बंदरों को भगाने की कोशिश भी की गई, लेकिन बंदर टस से मस नहीं हुए, तिरंगे को पकड़कर बैठे रहे। और जब राम जन्मभूमि का ताला खोलने के पक्ष में फैसला आया तो तिरंगे को पकड़कर बैठे वानर गायब हो गए। राम जन्मभूमि का तो जो ताला था उसको खोलने के लिए विवाद चल रहा था और उसमें जजमेंट आना था और ये कचहरी परिसर में तिरंगा झंडा लगा हुआ था जो जिला जज के कोर्ट पर था और उसमें उस झंडे के नीचे हनुमान जी के स्वरूप में बंदर बैठे हुए थे और वो तिरंगा झंडा तब तक थामे रहे जब तक कि फैसला नहीं आ गया। ऐसी घटना कभी देखने में नहीं मिली उस दिन के अलावा, आज तक भी कोई घटना देखने को नहीं मिला और वो घटना ऐतिहासिक था और अनूठा था अपने में। सन 84 में जब ताला खोला गया तो छोटी छावनी से लगभग 300-400 संत महात्मा हम लोग घंटी बजाते हुए मजीरा बजाते हुए राम जन्मभूमि की तरफ जा रहे थे और जो ही हनुमानगढ़ी के पास पहुँचे, हनुमानगढ़ी से लगभग 500-600 बंदर एकाएक पता नहीं कहाँ से आए और हम लोगों के पास आकर के हम लोगों के हाथ से मजीरा छीन लिया। हम राम जन्मभूमि पहुँच पाए इसके पहले ये सारे के सारे बंदर अयोध्या में राम जी के जन्मभूमि पहुँच गए थे। उस दिन का जजमेंट ऐतिहासिक था। उस दिन जज ने रामलला के गर्भगृह का ताला खोलने का आदेश दिया था और पूरा हिंदुस्तान सांसें टांगे फैजाबाद कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहा था। लेकिन उस दिन फैसले के साथ ही एक कहानी निकली थी जिसने पूरे हिंदुस्तान को झकझोर दिया। जय श्री राम के साथ जय हनुमान का नारा भी गूंज उठा था। कोई नहीं जानता कि उस दिन जज की कलम से रामलला के जन्म स्थान पर फैसला आने वाला है। यह समझ उन वानरों को कहां से आई होगी जिन्होंने लोकतंत्र के प्रतीक तिरंगे को थामे रखा और फैसला आते ही गुम हो गए। कोई नहीं जानता उस दिन वानरों ने ग्रेनेड को कैसे पहचाना होगा और आतंकियों पर ग्रेनेड फेंकने उन्हें जहन्नुम पहुंचाने की समझ कहां से आई होगी। कोई ये भी नहीं जानता कि RDX प्लांट करते आतंकियों को वानरों ने कैसे पहचान लिया होगा, उनकी साजिश के तार को कैसे उखाड़ दिया होगा। लेकिन एक सच अवश्य है कि अयोध्या एक ऐसा धाम है जहां पवन पुत्र हनुमान का दिव्य धाम है, जहां वानरों से भी कम इंसान है, जहां वानर पूजे जाते हैं, जहां रक्षक माने जाते हैं और जहां वानर अपना रक्षक का धर्म निभाते हैं। तो ये था रहस्य उन वानरों का जिनके स्वरूप में खुद बजरंग बली विराजमान माने जाते हैं, जिन्होंने आतंकियों के छक्के छुड़ा दिए। ये है अयोध्या धाम। जय श्री राम। मुझे राहुल डबास और मेरे कैमरा सहयोगी राकेश दावत को रहस्य से दीजिए इजाज़त और बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि वहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं रुकता। उस दिन एक वानर ने हनुमानगढ़ी और प्रभु श्री राम